मुझे मक्खियों और कीड़ों से फोबिया है यार, बहुत ज्यादा डरती हूँ मैं। यार तुम इतना सीरियस कैसे हो सकती हो भला? अच्छा ठीक है, अब हम पहुँच गए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे सारे डर बाहर निकाल दूं। क्योंकि डार्लिंग तुम मेरी दोस्ती नहीं बल्कि हमारे घर की बहू भी बनने वाली हो, तो इसलिए। ओह वाह, तुम्हें ये जगह कैसे पसंद नहीं है? तुम्हें अगर ये पसंद है तो तुम मेरे भाई के साथ यहाँ पर आ सकती हो हमारे बगैर। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम मुझसे? वैसे एक बात है एसगी, आज सुबह कोई मेरे भाई के बारे में बात कर रहा था ना, कि उसकी हाइट, उसकी स्ट्रेंथ, उसके मसल, ये सब बातें हो रही थी ना, यही कर रही थी ना? हाँ यही कर रही थी। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और अगर कहा भी तो क्या बड़ी बात है। भाई सिंपल है, अगर किसी को हैंडसम कह भी देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ घूमने चली जाऊंगी मैं। मैंने तो तुम दोनों के साथ यूं ही बस जनरली कुछ बातें शेयर कर ली थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम लोग इस तरह से मेरे उस एतराब को बार बार दोहराओगे। हर इंसान अपना सबक सीख ही लेता है मगर उसे थोड़ा वक्त लगता है, और आज मैंने सबक सीख लिया है। हाँ, मैं लेकिन अच्छा प्लीज, बहुत बातें हो गई, अब हमें अंदर जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अजनबी जगह है, कोई अजनबी आ गया तो। अभी मैंने कहा ही था और अजनबी लोगों की वैन भर कर आ गई है यहाँ पर। सो हैंडसम है इस अजनबी पर तो मैं खुद ही कुर्बान हो जाऊं। हमारी तरफ ही आ रही है तो। बारिश, यशीन, मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं। तुम्हारी बहुत याद भी आ रही थी मुझे। हाय, बहुत अच्छा हुआ जो हम लोग मिल गए। हाँ, क्या तुम अपने कॉटेज पे आए हुए हो? हाँ, सोचा क्यों ना आज जाके सर्वे कर लो। बहुत अच्छा किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। मैंने भी मेरी जान। क्या हुआ, उदास सी लग रही हो तुम मुझे? तुम्हें कैसे पता चला? मेरी तरफ देखो जरा, क्या ये प्यार का मामला है? किसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? चलो छोड़ो सारी बातें, आज रात मिलते हैं, बैठते हैं कुछ देर, गेम्स भी खेल लेंगे और कुछ बातें भी हो जाएंगी, क्या कहती हो? सच कह रहे हो तुम भाई। बहुत मजा आएगा फिर तो, बहुत अच्छा हो गया। ये लोग तुम्हारे साथ आए हैं क्या? हाँ मेरे साथ आए हुए हैं, कंपोज करने के लिए और थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, दोस्तों जरा बाहर आ जाओ। अरे वाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ये अकेला ही नहीं, इसके तो सारे दोस्त बहुत ही हैंडसम हैं। मुझे क्या देख रही हूँ, उन्हें देखो ना। डेफने, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ कि थोड़ी सी समझदार हो जाओ, थोड़ी सी बस, ठीक है? समझ आई बात? एक काम करो, ये पकड़ो तुम। हेलो बारिश मेरी जान, मैं तारुफ करवाती हूँ, ये मेरी दोस्त है डेफने और वो है एसगी, और लड़कियों ये खूबसूरत लड़का है बारिश, ये दानिश और मेरे भाई का बचपन का दोस्त, और मेरा रिश्ता पता है क्या है? पहली मोहब्बत है ये। क्या कहा तुमने? पागल लड़की, वो तो बचपन की बात है। कैसी हो डेफने, और तुम कैसी हो एसगी? लड़कियों ये सारे मेरे दोस्त हैं, भूरा, जैंग, समुराय। हेलो, हेलो। और ये हैंडसम मेरा कजन है अर्जुमन, कल ही इंग्लैंड से आया है, इसीलिए मैं अपने साथ ले आया ताकि हमारे साथ एंजॉय कर ले थोड़ा। क्या आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि यही ठीक रहेगा। मुझे तो लग रहा था कि इस जंगल में पहाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि आप जैसी हसीन लड़की को देखा। इनकी बात भी ठीक है, जब कोई शख्स अपने घर से बहुत दूर आ जाता है ना तो उसके अंदर का रोमांटिक इंसान जिंदा हो जाता है और वो फिर इसी तरह की बहकी बहकी सी बातें करने लगता है, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप वैसे भी रोमांटिक ही हैं। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मुझे प्यार से डेफ भी बुला सकते हैं। बहुत प्यारी हो तुम, और आप जैसी हसीना से ऐसे अल्फाज सुनना मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। आप वाकई बहुत हसीन हैं। डेफने बहुत ही अच्छी दोस्त है हमारी, तुम्हें पता है? बहुत ही प्यारी बातें करते हैं आप, आपसे तो बहुत अच्छी गपशप होगी हमारी। सिर्फ गपशप कहा है और कुछ नहीं। सॉरी, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो जाओ, चलो। खैर यशिम, अब मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, रात को उसी अपनी पुरानी जगह पर खाने के बाद मिलेंगे। ठीक है, बाय।
डेफने, ये सब क्या था? तुम उस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी? अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ अपना ये ट्रिप थोड़ा खुशगवार बनाना चाह रही थी, और तो कोई भी बात नहीं है। और अरे यार, मैं यहाँ पर ले तो आई हूँ तुम लोगों को, लेकिन मुझे खुद कोई अंदाजा नहीं है कि क्या करना है हमें। जी बोले राजम भाई। हाँ, वो वहां पहुंच गई, सही। और वहां नहीं जाना, यशम नहीं जानती कि मुझे इस बात का इल्म है। तुम बस उनको कैमरे से देखकर फॉलो करो, ठीक है? ये काफी है, शुक्रिया। फिक्र ना करो, अब कोई मसला नहीं है। नजर तो रखी जा रही ना उन पर कैमरे से वहां। वो कभी देखना बंद नहीं करता जब तक हम ना कहें। क्या उस कैमरे से हम भी देख सकते हैं उन्हें? ये क्या बात हुई? बताओ तुम, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, देख सकते हैं या नहीं हम उन्हें? हम देख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। बस तो फिर दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं उन्हें। और तुम मुझे पागल कर रहे थे। तुम दोनों आपस में लगे रहो, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यशिम, एसगी में बाहर गार्डन में बैठी हूँ। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में। हाय, मैं फ्रिज में देखती हूँ, जाकर वहाँ पे शायद कुछ खाने के लिए हूँ, मैं जरा देख के आती हूँ। ठीक है ठीक है। हम पहुंच गए हैं। तो क्या हुआ वहां? वो सड़क से गिरने वाली थी, लेकिन खुद को संभाल लिया। जानता हूं, मैंने कैमरे में देखा, मैं तुम लोगों को ट्रैक कर रहा हूं। वो यारिन के घर से आगे गई थी तो कैमरे ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो काफी खुश, पुरसुकून और महफूज लग रही हैं। मेरी जान छोड़ दो पागल लड़के। तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था लड़की, ध्यान से, मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। तुम्हारी बहन के फिजूल सवालों की वजह से मैं अब अपना फोन बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भाई मुझे कॉल करेंगे और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। वैसे आलन, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। कौन बताएगा मुझे ये हो क्या रहा है? हाँ, ओ देखो बारिश आया है। ओ बारिश, समझ गया। शराफत से बताओ वहां हो क्या रहा है? हाँ, और ये है कौन बारिश? एक मिनट रुको, वो मेरा हमसाया और हमारा बचपन का दोस्त भी है, और यशम की पहली मोहब्बत भी है ना दानिश। अरे यार सुनो सनान, जब हम कहते हैं ना पहला प्यार, तो उसका मतलब होता है बचपन। हाँ बचपन। ये लड़का कौन है और डेफने का हाथ क्यों पकड़ रहा है? इस लड़के को देखो, ये तो अर्जू है ना। कौन? वो अंग्रेज अर्जू? हाँ। क्या वाकई में?
मुझे आपको सारा मैं बता रहा हूँ। वहाँ इतने सारे मर्दों के बीच ये तीन खड़ी हुई और तुम लोग बैठकर सुकून से देख रहे हो। मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, मैं बता रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर ना इन सबका सर फाड़ दूंगा, आई समझ? अरे सिनान, बारिश हमारा देखो। तुम बैठ कर देखो यहाँ बारिश को, अपने दोस्त को। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम चल रहे हो, जाऊँ मैं अकेला? ठीक है बरूची, चलो चलते हैं। ओ भाई, हम क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? इसको बताओ कि बारिश वहाँ मौजूद है और अभी हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं सिनान को नहीं रोक सकता। वहाँ पहुंचेगे तो मैं अर्जु को नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद में बिल्कुल पसंद नहीं, उसका हाथ कैसे पकड़ा उसने। ओफ, मैं बोर हो गया हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ सच में। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा तेनू कोई होर मिल गया है।